दोस्तों इस लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल असनिक स्टडी, साथ में इस बेल के आइकन पे क्लिक करें और पाएं मेरे सारे अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसैनिक स्टडी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बिहार CDPO, जी दोस्तों बिहार CDPO का जो एग्ज़ाम हुआ है 15 जुलाई को, उसका प्रश्न पत्र, जी दोस्तों क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ और मैं इस क्वेश्चन पेपर का आंसर किए, जी दोस्तों आंसर की बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। दरअसल जो आंसर किए दोस्तों उसमें कुछ डाउट है, बहुत सारे ऐसे पर्सन जिसमें डाउट है, जिसके वजह से मैं उसका आंसर की अभी एग्जैक्ट नहीं बना पाया हूँ। तो सारा वो आंसर की मिलने के साथ ही मैं एक साथ सारे प्रश्न 150 प्रश्नों का मैं जो आंसर वो अपलोड कर दूंगा दोस्तों। तो उसके पहले मैं क्वेश्चन पेपर ले आया हूँ आप सभी के लिए। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया वो क्वेश्चन पेपर देख लें और इसे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कुछ उनको आइडिया मिल जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं ये जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आया हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर पहले देख लें दोस्तों कि क्या है क्वेश्चन पेपर, और बहुत ही जल्द मैं इसका आंसर की भी एग्जैक्ट जो सही उत्तर है दोस्तों वो मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। तो आप लोग पहले देख लें तथा मैं इस क्वेश्चन पेपर को दोस्तों टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से क्वेश्चन पेपर PDF में भी प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे सीरियल वाइज मैं दिखा देता हूं दोस्तों, आप इसे इस वीडियो को पॉज कर कर भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल की जाने वाली VVPAT का पूर्ण रूप क्या है, जी दोस्तों इसका पूर्ण रूप क्या है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेलर, ये है इसका फुल फॉर्म। दोस्तों आप लोग चिंतित ना हो, मैं बहुत ही जल्द इसका आंसर की अपलोड कर दूंगा। दरअसल मुझे सारा आंसर की नहीं मिल पाया है, मैं लगा हुआ हूं दोस्तों, सही और सटीक आंसर की मैं देना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। तो जैसे ही सारा सटीक आंसर की मुझे मिल जाएगा मैं अपलोड कर दूँगा, जिसे आप लोग अपने आंसर शीट से मिला सकते हैं। और एक बात यहाँ पर देखी जा रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जो ऑप्शन है, जी दोस्तों ऑप्शन की जो संख्या वो 5 कर दी गई है। जैसे BPSC, जी दोस्तों जो 63वीं BPSC में किया गया था, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ये जो ऑप्शन है दोस्तों रक्षात्मक रूप से जो BPSC है वो ये ऑप्शन डाल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शन की संख्या वो 5 है। बिहार SI एक्साइज़ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न पत्र ज़रूर मदद करेगी।
दोस्तों, ये जो प्रश्न पत्र है उसे PDF में प्राप्त करने के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, @OceanicStudy। आप लोग सर्च करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल में तो आप लोग को मेरा चैनल मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग वहाँ से, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगा, वहाँ से बहुत तरह के मैं PDF देता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। बुक्स जो है, मैगजीन्स हैं, मंथली मैगजीन्स हैं, डेली करंट अफेयर्स हैं, तथा मैं ऑल इंडिया रेडियो का भी ऑडियो मैं सेंड करते रहता हूँ दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो ये सब मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ अपने चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लें ताकि मैं PDF फाइल जो भी शेयर करता हूँ वो आप लोग प्राप्त कर सकें बहुत ही आसानी से तथा बिल्कुल फ्री। तो उसे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तथा अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल, जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और आगामी दोस्तों, जो 64वीं BPSC का जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड में भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से प्रिपरेशन करा पाऊँ, सुचारू रूप से मैं एक कोर्स चलाऊं दोस्तों 64वीं BPSC के लिए। तो वो सभी प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें दोस्तों। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, 150 प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो आप लोग अच्छे से देख लें, कहीं प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।